मिसेज फिनिबोन स्ट्विंकल खन्ना ने गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में 2015 की कहानी ट्वीट की। लेखक ने लिखा है कि फिल्म के ट्रेलर ने उन्हें पूरी तरह प्रभावित और रूपांतरित किया। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों ने उनके ट्वीट पर विश्वास किया और राम रहीम के साथ बैठक स्थापित करने के लिए उनसे संपर्क किया। एक टास्क फोर्स ने ट्विंकल के पति अक्षय कुमार से राम रहीम के बारे में पूछताछ की। ट्विंकल ने लिखा, मैंने अभी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की मैसेंजर ऑफ गॉड का ट्रेलर देखा था और प्रतिष्ठित गीत सुना था, तुम लव चार्जर हो, अरबों बैटरी जब नीचे जाती है तो तुम प्यार से इतनी मजबूत हो जाती हो। मैंने दोस्तों को इस फिल्म का पहला दिन और शो देखने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया, उन्हें लव चार्जर टी शर्ट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे 375 में ऑनलाइन खरीदा जा सकता था। कई लोगों ने जवाब दिया कि वे मेरे साथ फिल्म देखेंगे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों ने राम रहीम से मिलने की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास पहुंचना शुरू कर दिया। मेरे साथी जो कभी राम रहीम से मिले या उसके बारे में बात नहीं की थी, इस विनाशकारी कहानी के अंत में एक टास्क फोर्स द्वारा भगवान से हमारे संबंध के बारे में पूछताछ की गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट से पता चलता है कि मैं एक भक्त था। 2018 में विशेष जांच दल ने अक्षय से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के बारे में पूछताछ की।